आया इसके साथ शुरुआत करेंगे। कैश स्पेस में बिकवाली हाथ लगी 1878-80 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां दिखी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक इनका प्रदर्शन इतना खराब नहीं रहा, इस बार हमने देखा है सिंगल डिजिट की बिकवाली, 2 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने यहां से आते हुए देखी। तो जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सही, अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे पॉकेट्स में अलग अलग असर पड़ा है। कल हमारा जिस तरह का रिएक्शन रहा है, उसके बाद सर आज कैसी तैयारी करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे देखें इसे? नया गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत तो अमेरिकी बाजारों के थोड़े ढीले डाले हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 पॉइंट नीचे थे, उससे थोड़े से ज्यादा कमजोर बंद हुए। लेकिन वैसे देखा जाए तो जितना बड़ा एक्शन हुआ है रेटिंग डाउनग्रेड का, उसके सामने बहुत ज्यादा बाजार घटे हों वैसा नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़े हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इतना तो बनता है। तो आई थिंक रिएक्शन एकदम परफेक्ट है अमेरिकी बाजारों का। कमजोरी की तरफ तो होना ही था, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा कमजोरी हो जाए ऐसा लगे कि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, वैसा भी नहीं हुआ है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल की जो क्लोजिंग थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर थी, एकदम मेक और ब्रेक टाइप के लेवल। 19,500-19,550 इसके नीचे बंद होने पर बाजार खराब हो जाते थे, तो एग्जैक्टली वहीं बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी पे 45,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ जाती है, एग्जैक्टली 45,000 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो आज का सेशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-3 चीजें भारतीय बाजारों के लिए और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, पोजीशंस काफी है। दूसरा ये कि नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बाजार है हल्के। कल की गिरावट के बाद काफी कुछ तेजी की पोजीशंस कम हुई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। तो आज कमजोर खुलने के बाद हम निचले स्तरों के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और उन लेवल्स के आसपास हल्का फुल्का खरीदारी का मौका बचता है। हल्का फुल्का है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये लेवल है जहां आपको खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए, वो है 19,350-19,425, 19,350-19,425। ये आपके लिए खरीदारी का रेंज रहेगा। और ऊपरी स्तरों पर 19,600-19,675 पहली रुकावट की रेंज है, जहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक और चीज जो बाजारों के लिए इम्पोर्टेंट है कि कल के सेशन में एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े तो आए हैं, लेकिन आंकड़े उतने ज्यादा और उतने बड़े नहीं है जितने मार्केट घटे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ी ट्रेडर्स की तरफ से पोजिशन हल्की होती हुई दिखी है, लॉन्ग पोजिशन कम की है। इस लिहाज से बैंक निफ्टी जो 45,000 के आसपास बंद हुआ है, अब बैंक निफ्टी पर आज के लिए जो सपोर्ट है वो 44,450 से लेकर 44,675। आज मैं थोड़ी सी आपको बड़ी रेंज दे रहा हूँ, लेकिन वो रेंज बड़ी देने के पर्पज यही है कि जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए थोड़ी बड़ी रेंज हाथ में रखे तो बेहतर है। और ऊपरी स्तरों पर 45,225-45,350 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। जी पॉइंट टेकन सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि आज क्या एक्सपेक्ट करके चलना है, किस तरह का मूड रह सकता है। लेवल्स नोट कर लीजिए जो सर ने यहाँ सजेस्ट किए हैं, 19,350-425 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर रुकावट 19,600-19,675 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी सर ने आज थोड़े से बड़े रेंज यहाँ पर दिए हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। 44,450-675 आज ये सहारा देने वाली बैंड होगी, और ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी 45,225-325 के करीब दिखाई दे रहा है।